12th हिंदी काव्य खंड जयशंकर प्रसाद तीसरा अध्याय जयशंकर प्रसाद का शीर्षक है श्रद्धा मन। ये कामायनी से लिया गया प्रसंग है। कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, जो एक कालजयी कृति मानी जाती है। इसमें हमारे तो हमारे आदि माता पिता को प्रतीक रूप में श्रद्धा और मन के रूप में मान करके उनका वर्णन किया है। देखिए पंक्तियां, श्रद्धा और मन। श्रद्धा मन को देखती है, मन श्रद्धा को देखते हैं, कोई किसी को जानता नहीं, क्योंकि प्रलय हो चुका है, कोई बचा नहीं है। मन बचे हैं, श्रद्धा बची है और मन एकांत में पर्वत पर है। श्रद्धा देखती है मन को तो कहती है, कौन तुम संसित जल नृत्य तरंगों से फेंकी मड़िए कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कहते हे तुम कौन, कौन तुम, हे तुम कौन हो, संसित संसार रूपी जलनिधि समुद्र के तीर किनारे पर तरंगों से, तरंगों के द्वारा, तरंगों रूपी हाथ से फेंकी गई मर के समान हे तुम कौन हो, हे तुम कौन हो, संसार रूपी समुद्र के किनारे तरंगों से फेंकी गई मर के समान। जिस तरह से समुद्र की तरंगे समुद्र की मड़ियों को बाहर फेंक देती हैं, उसी तरह से श्रद्धा कहती है कि हे इस संसार सागर के किनारे तरंगों से फेंकी गई मर के समान हे तुम कौन हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। यहां पर आप इस निर्जन सुनसान वन प्रांत में चुपचाप अकेले प्रभा की धारा, प्रकाश की धारा में अभिषेक स्नान करने वाले हे तुम कौन। यहां पर निर्जन वन प्रांत में अकेले चुपचाप शांत भाव से प्रकाश की धारा में प्रवाहित प्रकाश की धारा में स्नान करते हुए हे बोलो तुम कौन हो, इस तरह से श्रद्धा बोलती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का हर्ष। मधुर विश्रांत और एकांत, मधुरता से युक्त थके हुए की भांति इस एकांत वन प्रांत में जगत का, इस संसार का सुलझा हुआ रहस्य, इस संसार में रहस्य बने हुए मधुर थके हुए एकांत में इस संसार का रहस्य बने हुए हो, एक करुणा में करुणा से परिपूर्ण सुंदरता से युक्त मौन चुपचाप परंतु चंचल मन का आलस्य, मन की चंचलता में आलस्य भरे हुए हे तुम कौन हो। मधुरता से युक्त थके हुए प्रतीत होते हुए एकांत में अकेले में संसार का रहस्य बने हुए करुणा से युक्त सुंदरता से युक्त मौन धारण किए हुए मन में चंचलता को लिए हुए आलस से भरे हुए हे तुम कौन। इस तरह से श्रद्धा ने कहा, सुना यह मन ने मधुर गुंजार मधुपुरी क्या सा जनसानंद ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। कभी कहता है सुना या मन ने, कभी कहता है कि जब मन ने के कानों में आवाज गई मधुर गुंजार, तो श्रद्धा के इस मधुर सोनिक स्वर की गुंजार जब मनु के कानों में पड़ती है मधुकरी सा का सा जब सानंद, और भौंरी की तरह इस आवाज को सुन करके जब वो आनंद का अनुभव करते हैं
मधकरी का सा उपमा अलंकार, किए मुख नीचे कब, तो वो अपने कमल के समान सुंदर मुख को नीचे उसी तरह से कर लेते हैं जैसे कवि का प्रथम छंद जो सुंदर होता है। कवि के प्रथम छंद कविता की भांति अपने कमल के समान मुख, कमल के समान सुंदर मुख को नीचे कर लेते हैं, झुकाए हुए हैं, कब, जब वो मधुकरी की तरह आनंदित करने वाले मधुर स्वर के गुंजार को सुनते हैं, मधुर स्वर का गुंजार उनकी कानों में पड़ता है तो अपने मुख को नीचे झुकाए रखते हैं। फिर क्या, एक झटका सा लगा सहस, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा या सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर। इस आवाज को सुनने के बाद एक झटका लगा, एक रोमांच आया हृदय में, प्रसन्नता व्याप्त हुई। एक झटका सा लगा सहर्ष, हर्ष पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक उनके मन को एक झटका लगा, उनका मन सिहरन से भर गया, कंपन से भर गया और निरखने लगे और ऐसे देखने लगे लूटे से, जैसे कोई इन्हें लूट लिया, मन को जैसे कोई लूट लिया हो, इस तरह से एक रोमांच भरी पुलकित शरीर से वो ऐसे देखने लगे कि जैसे इन्हें किसी ने लूट लिया हो। एकाएक चौंक जाते हैं, कौन गा रहा है सुंदर संगीत, अरे यह कौन है जो इतनी मीठी इतना सुंदर आवाज में गा रहा है, इतना मीठा आवाज जो निकाल रहा है, यह कौन है, कुतूहल रह न सका था। और यह जिज्ञासा उनकी शांत नहीं हो सकी, उसे जानने के लिए मन तत्पर हो जाते हैं। फिर क्या है, आ गया, मन ने जब श्रद्धा के मुख से इस मधुर ध्वनि को सुना तो आनंदित हुए कि यह भौरी की तरह आवाज निकालने वाला कौन है, परंतु वह अपने कमल के समान वो देखते हैं कि कमल के समान सुंदर मुख को वह अपने झुकाए हुए हैं, ऐसे लग रही है जैसे एक कवि का प्रथम छंद होता है। पहले मैंने मन के विषय में दिया है दो लाइन, ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, परंतु ये कामायनी के लिए है, श्रद्धा के लिए है कि वह श्रद्धा अपने कमल के समान सुंदर मुख को नीचे किए हुए ऐसे सुंदर दिखाई दे रही है जैसे कवि द्वारा रचा गया छंद, पहला छंद सुंदर होता है। फिर मन को एक झटका सा लगा, प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गए और ऐसे देखने लगे जैसे इन्हें किसी ने लूट लिया हो और कहते हैं कौन, कौन है यह सुंदर संगीत गा रहा है, यह जानने की जिज्ञासा उनके अंदर बढ़ने लगी और फिर उनके अंदर का यह जिज्ञासा शांत नहीं हो सका, वो चुप नहीं रह सके और यह रहस्य जानने के लिए तत्पर हो गए। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल विराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कैसा, और देखते हैं मन वह सुंदर दृश्य, उस सुंदर दृश्य को देखते हैं जो सामने खड़ी है, नयन का इंद्रजाल विराम, उसका नेत्र उसी तरह से सुंदर है जैसे इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है, इंद्रजाल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेक प्रकार के मंत्र भरे पड़े हुए हैं। इंद्रजाल के मंत्रों का उपयोग लोग जीवन में करके बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं क्योंकि वह बहुत ही आकर्षक पुस्तक है, तो श्रद्धा का नेत्र भी इंद्रजाल की तरह बहुत ही सुंदर है। और कैसे, कुसुम वैभव में लता समान, अथवा देखने में ऐसे लगता है जैसे पुष्पों के वैभव के बीच लता, जैसे पुष्पों के
प्राकणों की सुगंध के बीच, सुंदरता के बीच लताएं सुशोभित होती हैं। लता में पुष्प खिले होते हैं, पुष्पों के बीच में लताओं की पंखुड़ियां टहनियां बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। उसी तरह से श्रद्धा के आंख के बीच चारों तरफ उसके शरीर की सुंदरता भी झलक रही है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम और कैसे दिखाई दे रही है, जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी से लिपटा हुआ सुंदर दिखाई देता है, उसी तरह से श्रद्धा अपने नेत्रों, सुंदर नेत्रों से लिपटी हुई सुंदर दिखाई दे रही है। धन्यवाद।